बीजेपी की जीत। उधम सिंह नगर जनपद शक्तिगढ़ नगर पंचायत में 19 मई को उपचुनाव हुए थे, जिसमें कुल 3823 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से जहां सुनील विश्वास चुनाव मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं निकाला था। वहीं दो निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल और रमेश राज चुनाव में थे। यहां पर आज सितारगंज मंडी समिति में शक्तिगढ़ नगर पंचायत के वोटों की गिनती हुई, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील विश्वास को विजयी घोषित किया गया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 43 वोटों से चुनाव हराया। वहां बीजेपी प्रत्याशी को 1531 वोट मिले और वो निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल को 1488 वोट मिले। नव भारत समाचार सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पे श्री रमेश राय रहे, इन्हें 804 मत प्राप्त हुए। नोटा 5 मतपत्र 39 विश्वास यहाँ से विजय घोषित किए गए। कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया है, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, जहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो और हर पब्लिक के बीच में मैं खड़ा उतरने की कोशिश।